प्रदेश में भाजपा द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है, जिसका जगह जगह आयोजन किया जा रहा है। वहीं सिंगरौली में विकास यात्रा के दौरान जिले को करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी गई, जिसका शिलान्यास विधायक रामलल्लू वैश, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया। सिंगरौली में 25 फरवरी तक चलने वाली विकास यात्रा में लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में 2 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में गोद भराई, जन्मदिन, अन्नप्राशन मनाया गया और सिंगरौली की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना से जन जन को अवगत कराया गया। वहीं इस दौरान जनसभा का संबोधन करते हुए संबल कार्ड, खाद कूपन, लाडली लक्ष्मी योजना कार्ड का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान नगर पालिका निगम के अध्यक्ष देवेश पांडे, वार्डो के पार्षदगण, बीजेपी फॉर एमपी के कार्यकर्ता के साथ लाभार्थी महिलाएं मौजूद रही। सभी वार्डो में कहीं 2 काम, कहीं 3 काम, कहीं नाली सड़क के भूमि पूजन कर रहे हैं, कहीं कहीं लोकार्पण भी जो निर्माण हो गए हैं वो कर रहे हैं। और आपको संबल योजना, आयुष्मान भारत, भत्ता पर्ची का वितरण भी कर रहे हैं, जो उनका पंजीयन करवा रहे हैं ताकि आने वाले समय में उनको मिल सके। मंच के माध्यम से ही हमने कहा है, अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी कार्य हो गुणवत्तापूर्ण, अगर जो गलत कार्य होते हैं ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई करें, अपने अधिकारी इंजीनियर सब इंजीनियर इसमें ध्यान दें, और अगर जो ठेकेदार काम गड़बड़ करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।